नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए चावल, मेथी, प्याज, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और तेल। एक बर्तन में तेल गरम करके उसमें दालचीनी, लौंग, प्याज डाल के मिक्स कर लीजिए। इसे हम डार्क ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसमें हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मेथी डाल के भून लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चावल डाल के चावल को भी हम भून लेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी सूख जाए। अब इसमें पानी डालेंगे। हमने जितने चावल लिए उससे दुगना हम पानी डालेंगे। इसे हम तेज आंच पर ही पकाएंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। जब पुलाव का पानी सूख जाए तो हम इसे ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए रखेंगे। मेथी पुलाव अब तैयार है। हमें आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।